गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, माय डियर फ्रेंड्स, इट्स एन ऑनर टुडे। बहुत ही गर्व की बात है कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ इंडिया की एक ऐसी विमेन से, एक ऐसी महिला जिन्होंने बहुत मुकाम हासिल किया है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस यू, मीट मिसेस अंजलि चतुर्वेदी। हाय मैम, शी इज अ जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन कंज्यूमर कोर्ट वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो बहुत हर्ष है, इतना मुकाम हासिल किया है और हमारे देश की लेडीज जो है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल इज एट वुमेन एम्पावरमेंट। तो अभी मेरा आपसे इनको मिलाने का मकसद एक तो ये, दूसरा ये कि हमारी अब विजिट है आप लोगों को दिखाने की जंगल। जंगल हमारे देश का सबसे बड़ा कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। अंजलि चतुर्वेदी बोर्न एंड ब्रॉट अप इन नागपुर एंड वर्किंग इन कलकत्ता, सो शी विल टेल अस कि नागपुर में हम क्या क्या देख सकते हैं और हमें क्या क्या घूमना चाहिए। ऐसे तो आप मुझे जानते हैं रचना चतुर्वेदी, और ये मेरी भाभी भी है मिसेज अंजलि चतुर्वेदी, और प्राउड फील करती हूँ। और अब यह मैं बताएंगी कि नागपुर में अगर हम जाएं तो हमें क्या क्या वहाँ घूमना चाहिए। थोड़ा आप तो, आपका तो शहर है नागपुर, तो थोड़ा बताएं हमें। थैंक यू सो मच रचना कि तुमने हमें यहाँ पर बुलाया, माय प्लेजर, इंटरव्यू करने की कोशिश की, और इस बहाने से मुझे एक सम्मान मिला, प्लस मुझे नागपुर के बारे में बताने का मौका मिला जी। क्योंकि नॉर्मली इंडिया में दूसरे शहरों के बारे में बहुत जाना जाता है, बट नागपुर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि नागपुर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी इन इंडिया, बिकॉज जो इंडिया की माइल्स काउंट होती है वो नागपुर से 0 माइल वहाँ से चालू होती है, और वहाँ से पूरे इंडिया की माइल्स काउंट की जाती है। तो नागपुर में 0 माइल स्टोन है, वहाँ से पूरे इंडिया को नापा जाता है जी। तो जब हम जाए तो 0 माइल जरूर घूमना चाहिए। वो बहुत अच्छा, मतलब वो एक मेमोरेबल माइलस्टोन है, उसे जरूर किसी को देखना, हर किसी को विजिट करने वाले को नागपुर। इंडिया का सेंट्रल पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट मतलब लिटरली सेंटर पॉइंट राइट है। और दूसरी बात, नागपुर शहर जो है वो संतरों के लिए बहुत मशहूर है, इसीलिए उसे ऑरेंज सिटी का नाम दिया गया राइट। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया, उन्होंने वहां पर एक मैदान में कई सारे लोगों को, दलित लोग जो माइनॉरिटी वाले राइट, उनको उनके हक दिलाने के लिए एक मैदान में उनको अवेयरनेस वो की, तो उसके लिए उस भूमि को आज दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। दीक्षा भूमि। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले नागपुर जो था वो मध्य प्रदेश की राजधानी था, अब वो महाराष्ट्र के अंडर जब से विदर्भ स्टेट बना तब से नागपुर महाराष्ट्र में चला, विदर्भ में चला गया, मतलब विदर्भ है स्टेट एक, उसमें वहाँ की राजधानी है नागपुर, लेकिन अर्लियर इट वॉज इन मध्य प्रदेश, सीपीएन बेरार जो एक प्रोविंस था उसमें नागपुर उसकी राजधानी था। तो इट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी फ्रॉम एंशंट टाइम्स एंड नाउ ऑल्सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस हिदायतुल्ला हु वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज कम फ्रॉम नागपुर, ही इज फ्रॉम नागपुर, ही वॉज फ्रॉम नागपुर, इवन आरएसएस, इवन मोहन भागवत, हाँ नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर है right. वहां पर मोहन भागवत जी जो प्रेसिडेंट है आरएसएस के वो भी वहाँ पर। उसके अलावा नागपुर जो है वो राजा भोसले की राजधानी था, राजा भोसले के कई बनाए हुए पुराने मंदिर, कई बनाए हुए महल वहाँ पर मौजूद है। अगर कोई नागपुर विजिट करे तो वो सब मॉन्यूमेंट्स को आदमी देख सकता है और बहुत मजा आएगा। बहुत तरी पोहा काफी मशहूर है, तरी पोहा, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, यस
वहाँ का वो सुबह का ब्रेकफास्ट है तरी पराठा। राइट राइट। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि विदर्भ रीजन ऐसा रीजन है कि जहाँ पर रहने वाला आदमी मिर्च खाना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा पानी के अंदर वो है कि आदमी को मिर्च की तलब होती है। ओह, ये तो पता ही नहीं था मैं। यस। तो वो जो तरी पोहा रहता है उसमें पोहा तो रहता है मिनिमम मसालों के लिए साथ, प्लस जो तरी रहती है वो मिर्च की तरी बनाई जाती है। तो जिसको चाहिए होता है वो पोहे के ऊपर, एंड इट इज अ वेरी बेसिक ब्रेकफास्ट एंड वेरी चीप एंड वेरी पॉपुलर। फेमस नागपुर में गणेश टेम्पल, गणपति टेम्पल, गणेश टेकड़ी बोलते हैं, गणेश टेकड़ी वो बहुत पुराना फेमस टेम्पल है। वहाँ पर सचिन तेंदुलकर से लेकर सारे सीएम सब लोग विजिट कर चुके हैं। बहुत जागृत भगवान है। मतलब वो अंदर से निकले हुए, हम हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएंगे, स्वयंभू भगवान है वो गणेश जी। और वो इतना मतलब जागृत देवस्थान है वो, वहाँ पर जो भी नागपुर विजिट करता है वो जरूर वहाँ जाता है। दूसरी बात, नागपुर शहर इतना अब डेवलप हो गया, इतने अच्छे रास्ते, आई थिंक वहाँ पर अभी पिछले साल उसको क्लीनेस्ट सिटी का भी जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर को मिला है वैसे महाराष्ट्र में नागपुर को मिला। इंस्टीट्यूशन से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जी, उसके कारण से वो और भी ज्यादा, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग वहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं। भाभी जी, हम तो इनको दिखाएंगे जंगल, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये सब तो बिल्कुल नागपुर ही आना पड़ता है, एकदम पास है नागपुर से, एकदम हार्डली 40-50 किलोमीटर पर कान्हा जंगल है, ताडोबा जंगल है, पेंच, एक वो डैम है। काफी मजा आता है, काफी इतना घूमने की चीजें काफी है। प्लस आपने सुना होगा नागपुरी साड़ीज आर वेरी पॉपुलर। अच्छा। एंड ऑल टाइम फेवरेट सिल्क साड़ीज, इट इज सिल्क ऑल्सो, कॉटन ऑल्सो। ओके। भारतीय रिजर्व बैंक है, वहाँ का पूरा इंडिया का सोना गोल्ड नागपुर के रिजर्व बैंक में रखा जाता है। अच्छा। यस, ये भी वहाँ की एक। चलिए, आपने बहुत जानकारी दी होगी, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। और अब जब आपकी नजरों से हम देखेंगे नागपुर को, जरूर जरूर, मुझे भी काफी अच्छा लगा, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया। मुझे पता है आज आप बहुत बिजी हैं और एक आपके यहाँ शादी भी है, लेकिन समय हमारे लिए निकाला, तो आई एम सो हैप्पी। आई एम आल्सो वेरी हैप्पी। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।